मॉर्निंग एमपीएस मोटिवेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम साइंस में एक टॉपिक देखेंगे, एडेप्टेशन इन प्लांट्स। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट क्या होता है या हैबिटेट क्या होता है। तो द सराउंडिंग्स इन विच अ प्लांट ग्रोज इज कॉल्ड एनवायरनमेंट और हैबिटेट। ऐसा जगह या आसपास का जो भी जगह जहाँ पे प्लांट्स जो है, पेड़ पौधा जो है वो बढ़ता है, ग्रो करता है, वो बढ़ता है वहाँ पे, उसी को क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। ऐसा जगह जहाँ पेड़ पौधा बढ़ता है और वो ग्रोथ करता है उसी को एनवायरनमेंट बोलते हैं या हैबिटेट भी बोलते हैं। हैबिटेट क्या हो गया, किसी भी पशु या फिर पेड़ पौधे का प्राकृतिक आवास हैबिटेट कहलाता है। इसमें प्लांट्स बहुत तरह का होता है, जैसे कि वाटर प्लांट्स। कुछ प्लांट जो है वो पानी में बढ़ता है, कुछ सूखे जगहों पे बढ़ता है, कुछ पानी के अंदर होता है, कुछ पानी के ऊपर तैरता हुआ होता है। तो वाटर प्लांट्स होता क्या है, तो प्लांट्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स और हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, प्लांट्स ऐसा पौधा जो कि पानी में बढ़ता है, पानी में ग्रोथ करता है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स या वाटर प्लांट्स, उसी को हाइड्रोफाइट्स भी बोलते हैं, जैसे कि आपको हो गया लोटस। अगला हमारा है डेजर्ट प्लांट। सम प्लांट्स लिव इन ड्राई कंडीशन और इन डेजर्ट, दे आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट और जेरोफाइट्स। ठीक है, कुछ ऐसा पौधा होता है जो सूखे जगहों पे बढ़ता है, सूखे जगहों पे ग्रोथ करता है, या फिर जैसे कि रेगिस्तान में, जो पौधा रेगिस्तान में सूखे जगहों पे, रेत पे ग्रोथ करता है, उसी को क्या बोलते हैं, डेजर्ट प्लांट बोलते हैं। इसी को हम जेरोफाइट भी बोलते हैं, जैसे कि कैक्टस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही।